अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो समझ लीजिए कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका कैट बहुत ही ज्यादा तैयार है। बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है, पूरी देखना। मैं 3 कैट्स आपको वैक्सीनेशन करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आप वेट के पास जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, ये वीडियो देख के फॉलो करना और आपको पूरा समझ में आएगा वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन देना है गाइस। एक दिन बुखार आ सकता है कैट्स को, मगर वो कॉमन है। हाय गाइस, मैं नवाज पर्शियन से। आज की वीडियो जबरदस्त है जिसमें आपको पूरा प्रोटेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। वैक्सीनेशन एक ऐसी जरूरी वीडियो है गाइस जो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। वैक्सीनेशन का प्राइस भी बताऊंगा, वैक्सीनेशन कैसे देंगे वो भी बताऊंगा, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कैसे रखेंगे वो भी बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको 3 बिल्ली आपको करके दिखाऊंगा वैक्सीनेशन। सबसे पहला किटन करूंगा, उसके बाद में इंडियन कैट करूंगा, उसके बाद पर्शियन कैट करूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखना, पूरे वैक्सीनेशन के बारे में जानना। देखिए गाइस, समझ लीजिए एक फोन है आपका, ये फोन का स्क्रीन गार्ड है और ये बैक कवर है गाइस। अगर आप ये दोनों देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, मगर आप देंगे तो फोन का अगर गिरेगा या डैमेज होगा तो आपका स्क्रीन गार्ड जाएगा। अगर आपका फोन स्क्रैचेस से बचना है या कुछ भी नीचे गिरा उससे बचना है तो आपका बैक कवर बचाएगा। ऐसे ही वैक्सीनेशन समझ लीजिए, वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो आप देंगे तो आपका कैट को लड़ने की बीमारी बहुत ही ज्यादा रहती है, इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी बोलते हैं उसको बढ़ाएगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपको तकरीबन 600 रुपए में मिलेगा। अगर आप वेट पे जाएंगे तो आपको 1200-1300 में भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर। तो प्लीज गाइस पूरी वीडियो देखना। कोई भी बीमारी अगर डॉग और कैट को आएगी, डॉग कम होगा और कैट्स बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी गाइस। ये एक स्पेशलिटी है कैट्स में, और इम्यून सिस्टम उनका जल्द से जल्द आप ठीक कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो समझ लीजिए कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका कैट बहुत ही ज्यादा तैयार है। तो चलिए गाइस, जिंदगी बचाते हैं। सबसे पहले आप प्रोसेस देखते देखते ये समझ लीजिए वैक्सीनेशन एक सबसे ज्यादा और सबसे कीमती खजाना है अपनी कैट्स को जो आप दे सकते हैं। देखें गाइस, कैट्स एक ऐसी अल्लाह की कुदरत की और हमारे लिए तोहफा है जो नॉर्मली सभी को, जो कैट्स पेरेंट्स है सबको समझ में आता है। कैट्स एक अनोखा अजूबा है जो हम कभी भी कैट्स को नहीं भूल सकते। कैट्स हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर हम कैट्स को सही तरीके से पालेंगे तो हमारा फर्ज भी पूरा होगा और उनके लिए हमारी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। एक बात याद रखना, थोड़े पैसों के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराना कैट के ऊपर जुल्म है गाइस। सबसे पहले वैक्सीनेशन करने से पहले अगर आप वेट के पास भी जाएंगे, टेम्परेचर अगर 103 के ऊपर होगा तो प्लीज़ आप डॉक्टर को भी बोल दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर ही आपको मना कर देगा वैक्सीनेशन देने के लिए, मगर फिर भी आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। वैक्सीनेशन के बाद टेम्परेचर ऊपर जाता है और वैक्सीनेशन में बुखार भी आ सकता है जो कॉमन है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ज़रूर से वैक्सीनेशन बिना कोई डिले किए लगवाएं। एक बात याद रखें, अगर आपके पास बिल्ली है सबसे पहले उसको वैक्सीनेट कराएं। अगर आपका मेटिंग का प्लान है या फिर आपको फैमिली बढ़ाने का कैट का, आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका कैट को मीटिंग करवाना है तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा के करवाइए, या फिर किटन्स के अंदर भी वो वायरस आराम से जा सकता है। किटन्स बहुत इजी टारगेट होते हैं वायरस को, और अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो दूध के साथ जब भी मदर उसकी किटन्स को दूध पिलाएगी तो ऑब्वियसली वो दूध के साथ ही वो
स्टैमिना किटन्स को मिलेगा ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। तो गाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस वीडियो को शेयर करें, और नवाज पर्शियन के सब्सक्राइबर्स का बहुत ही शुक्रिया कि हर हमेशा अपना फ़र्ज निभाते हैं शेयर करके और लाइक करके। आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो बहुत ही अवेयरनेस के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ये वीडियो को शेयर करें। आपका फर्ज बनता है वैक्सीनेशन होने के बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि फ्यूचर में कभी भी आप जब भी वेट के पास आपकी बिल्ली को लेके जाएं तो उसका रिकॉर्ड देख के आसानी के साथ उसका इलाज हो सके। अगर आप बिल्ली सामने वाले के पास लेते भी हैं तो वैक्सीनेशन पूछ के लीजिएगा, अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो बिल्ली बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अगर किटन लेते हैं तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के साथ लीजिएगा, या फिर लेने के बाद में थोड़ा सेटलमेंट के बाद में आप आराम से उसको वैक्सीनेशन करवा लीजिए। वैक्सीनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वैक्सीनेशन से अच्छा इम्यूनिटी बढ़ता है और हर डिजीज़ के लिए लड़ने का कैपेसिटी आता है। कैट्स बहुत ही आराम से मर जाते हैं गाइस अगर वैक्सीनेशन नहीं हो और डिजीज अटैक हो जाए, सिर्फ एक या दो दिन में ही मर जाएंगे। तो अगर आपको कैट की लाइफ को बढ़ाना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर से लीजिएगा, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा और उसको डिवॉर्मिंग रेगुलर से कीजिएगा। वैक्सीनेशन इज़ वेरी मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ फॉलो द वीडियो एंड टेक द प्रिकॉशन। अर्ज किया है मैम आपके लिए और आप सारे दिल वालों के लिए। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं। ये दुनिया गम तो देती है। वाह 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 वाह।